हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्टेज। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के रिज्यूमिंग क्वेश्चन को करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, सो ऑब्जेक्टिव में आया था। तो इसको हम देखो कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट इसके देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को हम पहले चेक करते हैं कि क्या होगा। पहला कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, इसमें क्या आएगा, मेथड वन, ये 2i-3j+4k और दूसरा है ai+6j-8k। ये दोनों वेक्टर, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर है, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो इनके आई जे के कंपोनेंट प्रोपोर्शन में होंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 by a = -3/6 = 4/-8। अब बच्चों ये देखो, ये हो गया 2 कट के, इन दोनों से हम निकाल सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू, इन दोनों से, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ क्रॉस कराया, -a = 2, a की वैल्यू हो जाएगी -4। एक तरीका ये हुआ। दूसरा मेथड, मेथड टू, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो हम बोल सकते हैं कि एक वेक्टर को हम दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट, a = λ×b। समझ में आया बच्चों? अगर यहां पे लैम्डा कोई कांस्टेंट आ गया तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो हम इसको, इस वाले वेक्टर को ai+6j-8k, इसको हम लिख सकते हैं 2 times 2i-3j+4k, क्योंकि अगर हमने इसके x i कंपोनेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन इसके इसके बारे में पता है, क्या है, ये 6 हो रहा है और ये क्या हो रहा है, -8 हो रहा है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -8। तो उस केस में ये जो मिलेगा, ये -4i+6j-8k, ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, -4। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है तीसरा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। अगर अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, a क्रॉस b क्या होगा, 0 होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है। सो इससे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, i j k, फिर 2 - 3 = 4, इसका हो जाएगा a 6 - 8, इसकी वैल्यू 0 होगी। ओपन करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 24 - 24 0 हो गया, 24 - 24 0 हो गया, माइनस j, j के साथ देखते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -16 - 4a प्लस के ब्रैकेट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 + 3a = 0 हो रहा है। ठीक है बच्चों? सो अगर 0 है तो ये तो 0 हो गया, इसको 0 होने के लिए पूरा 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो हम अगर इसको 0 करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, 3a = -12, a = -4। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी 0 करोगे तो वहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन बच्चों देखो, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, यानी कि इसका प्रोजेक्शन मांगा है, तो इसको हम a लेट कर लेते हैं। a मान लिया हमने i-j वेक्टर है और b वेक्टर है i+j वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a.b कराते हैं और डिवाइड करते हैं b के मैग्नीट्यूड से, इसके मैग्नीट्यूड से। तो a.b कराओगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट कराएंगे, देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं, i+j अपॉन b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर + ये वाला 1 का स्क्वायर। सो i को i के साथ डॉट कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1, ये अपॉन √2 = 0। सो जब दोनों का डॉट 0 हो जाए तो दोनों क्या होंगे,
परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ऐसा है, तो अगर सनलाइट लगाओगे यहाँ पे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, जो कि जीरो माना जाएगा, वही जीरो आया था इसका प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18th, फाइंड लैम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए दिस ऑन बी इज 4 यूनिट। जब प्रोजेक्शन की वैल्यू 4 यूनिट दे रखी है तो हमें ए की प्रोजेक्शन दिखानी है बी पे, कितना यूनिट का है, 4 यूनिट का है, तो हमें वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इक्वल टू होता है ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 यूनिट, ए डॉट बी कराते हैं इसका इसके साथ डॉट, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस जे का जे के साथ 6 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। सो 2 लैम्डा प्लस 18 ये हो गया 4 36 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 4। सो ये हो गया हमारा 34 40 49 दैट इज 7। ये फर्दर हम देख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 18 बाय ये हो गया 7 इक्वल टू 4। यहाँ से हम x की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 28। ये यहाँ के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 लैम्डा इक्वल टू 28 माइनस 18 इक्वल टू 10, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5। ये हो गया हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन बच्चों 2012 में आया हुआ था, हाँ ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इस टाइप के, 3 क्वेश्चन आए थे 3 अलग अलग सेट में। तो देखो बच्चों क्या हुआ है, इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, उनका सम निकालना है। तो बेसिकली कैसे सम निकालते हैं वो देख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, आई माइनस टू जे प्लस के, प्लस बी की वैल्यू दी है माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, सी की वैल्यू दे रखी है आई प्लस सिक्स जे प्लस सेवन के। अब कैसे ऐड करते हैं इसको, आई वाले को आई में ऐड करना होता है। तो देखो आई यहाँ पे एक आई यहाँ पे, टू आई हो गया, ये माइनस का टू आई ज़ीरो हो गया, माइनस टू जे प्लस फोर जे ये 2j हो गया, प्लस 6j 8j हो गया, के 5k 6k हो गया और 7k 13k हो गया, ये हो गया इनका सम। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी हमने किया है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, और एक बात इससे पता चलती है कि बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो यहाँ पे याद रखना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, हमें पहले तो इन दोनों का सम निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, 2i माइनस j प्लस 2k प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस 3k। अब i को i में प्लस करेंगे तो ये हो गया i, ये हो गया 0, ये हो गया 5k। ठीक है, ये हो गया हमारा a प्लस बी वेक्टर। अब क्या बोला है, देखो बच्चों क्या बोला है, ये वेक्टर है, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इसके डायरेक्शन में, ये वेक्टर जो है ना इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी कि इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए। सो इसको हम मान लेते हैं c वेक्टर, c कैप निकालने बोला है i प्लस 5k को, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर से, सो ये हो जाएगा हमारा i प्लस 5k अपॉन अंडर रूट 26। सो ये हो गया i बाई रूट 26, 5k बाई रूट 26, ये हो गया हमारा।